हेलो सांग मैंने प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर रो बी ओडी एट बा ओडिया ऑनर्स कोर पेपर एट्रे आम क्या संपर्क रही कोर एट्रे रही ओडिया लोक संस्कृति आउ लोक साहित्य संपर्क रही तो ये संपर्क में आम मैंने इम्पोर्टेंट जिनस को फुल कवरेज को व्यापी जाऊँ तो प्रथम देखा ओडिया लोक संस्कृति आउ लोक साहित्य कौन कौन रही संपर्क नंबर वन रही लोक संस्कृति आउ लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप आउ प्रकार भेद संपर्क रही है। दुई नंबर कौन कौन रही दुई नंबर रही ओडिया लोकगीतर स्वरूप संज्ञा प्रकार भेद आउ विभिन्न दिग आउ आवेदन संपर्क रही ओडिया लोकगीतर तापर तीन नंबर आम रही ओडिया लोक कहानी संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद विभिन्न दिग संपर्क रही रही चार नंबर ओडिया लोकनाटक स्वरूप तापर संज्ञा प्रकार भेद विभिन्न दिग इतिर रही पाला रही दासकाठिया दंड नाच तापर छऊ नाच लीला रही दधि रही डाल खाई आ कर्मा रही तो पाला आ दासकाठिया बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे छऊ नाच भी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे सब जिन बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे तो चलते डेरी न करके आज क्वेश्चन नंबर वन को करवा कौन कौन क्वेश्चन पचार वर्तमान आम मैंने गोटे क्वेश्चन को करवा लंग क्वेश्चन को करवा लोकनाटक संपर्क क्या संपर्क आम फुल कवरेज कर लोकनाटक स्वरूप आमको क्वेश्चन पचार जे लोकनाटक संज्ञा स्वरूप यार वैशिष्ट ये संपर्क में लेख कह तो चलते डेरी न करके आम फुल कवरेज करदे ये संपर्क में ये गोटे क्वेश्चन को आम कर बर्तमान लोकनाटक स्वरूप संपर्क सांग मैंने पेन आ पेपर को व्यवहार करने जमी भूल ना प्रथम हेडिंग दे दियो लोकनाटकर संज्ञा आ स्वरूप प्रथम देखा संज्ञा संपर्क लिखि रखे बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे इंग्राजी फोल्क शब्दर प्रति शब्द भाव लोक शब्दी गृहीत ठीक अच्छे यार व्यापक अर्थ को ग्रहण कै लोक साहित्य आ संस्कृतिर गोटे बलिष्ठ विभाग होकनाटक लोक जीवन को आश्रय कर मुखर मुख को प्रसारित रचना जिते बिल नाट्य लक्षण युक्त हुए ताकू लोकनाटक कहुए लोकनाटक क्या कहुए लोक जीवन को आश्रय कर मुखर मुख को प्रसारित रचना जिते बिल नाट्य लक्षण युक्त हुए ताकू आम मैंने कौन कह लोकनाटक कह तो मनो लोक मनोरंजन रोटे बलिष्ठ मध्यम अटे यहाँ तो नाट्यशास्त्र प्रणेता किए पचार क्वेश्चन तो उत्तर कौन कह भरत मुनि कहीदेव तो सी कौन कही नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनि लोकवृत्तानुकरणम बोली नाटक कही आमको क्वेश्चन पचार लोकवृत्तानुकरणम बोली किए कही उत्तर कौन कर भरत मुनि करदेव से कौन कौन से उल्लेख कही उदाहरण भी देदेसी ठीक अच्छे कितु यहाँ एत मन रखे इम्पोर्टाट भी अटे इम्पोर्टाट भी नुहे जदि मन रोच बहुत ही भल जदि मन रोना किसी असुविधा ना ठीक अच्छे तो ये आम देखा बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस तो पेन और पेपर को व्यवहार करूँ कि ना तो व्यवहार करेंगे तो ये देखा लोकनाटक लोक आउ नाटक दुईटी शब्दर संयोजना घटी लोकनाटक लोक आउ नाटक दुईटी शब्दर संयोजना घटी तो लोक जीवन सहित यही लोकनाटक ओतप्रोत भाव जड़ित तो यही लोकनाटक पक्ष रही गोटे सुदृढ़ परंपरा एवं यही लोकनाट्यर परिसर मध्य आम देखू चारोटी पर्याय को तो से चारोटी पर्याय हूँ गीत नृत्य नाट्य आद्य गीत नृत्य नाट्य बाद्य तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे लोक हृदय झड़ी आसुवा लोक जीवन एक श्रद्धाशील रूप हूँ लोकनाटक ठीक अच्छे लोकनाटक क्या कहुए लोक हृदय झड़ी आसुवा लोक जीवन गोटे श्रद्धाशील रूप को लोकनाटक कहुए एथिरे विदग्ध गुरुतर आडम्बर देखा मिले नहीं यह लोक हृदय को जन्म नहीं पुणी लोक हृदय परिव्याप्त करें तो लोक चरित्र विभिन्न भाव लास्य आउ अभिनय मध्यम लोकानुरंजन करें आउ लोकनाट्य हूँ गोटे सार्वजनीन कला अटे यार लेखक निर्देशक अभिनेता दर्शक समस्ते होती साधारण स्तर यह लोक मान द्वारा लोक मान उद्दिष्ट अटे तो यार उपभोक्ता होती ग्रामीण जनता ठीक अच्छे लोकनाटक उपभोक्ता किए ताले उत्तर कौन कर ग्रामीण जनता करदेव तो सहर बजार ठारू दूर रही अशिक्षित
ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାର ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଲୋକନାଟକର ଧର୍ମ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ନୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଗୀତ ହୋଇଗଲା, ବାଦ୍ୟର ତାଳରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଲୋକନାଟକ। ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଲୋକନାଟକ କେଉଁଥିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟର ତାଳରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଲୋକନାଟକ। ତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା କିଏ, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତମୁନି। ତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତମୁନି ନାଟକକୁ ଲୋକବୃତ୍ତର ଅନୁକରଣ ଭାବେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ଭରତମୁନି ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକବୃତ୍ତାନୁକରଣ ନାଟ୍ୟ ମେତୋନ୍ମୟା କୃତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧନଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ, ଧନଞ୍ଜୟ ଦଶ ରୂପକରେ ଲୋକ ଅବସ୍ଥାର ସୁଖ ଦୁଃଖାତ୍ମକ ଅନୁଭବ ଅଭିନୟ ଭିତ୍ତିରେ ନାଟକକୁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ନାଟକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରମଣୀୟ କଳା ଅଟେ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ କାବ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଭେଦରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିନୟ ଯୋଗ୍ୟ କାବ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତମୁନି ହେଇଗଲା, ଧନଞ୍ଜୟ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଗର ନନ୍ଦୀ ନାଟ୍ୟ ସହିତ ଲୋକବୃତ୍ତକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖାର୍ତ୍ତ ଶ୍ରମାର୍ତ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଲୋକନାଟକ। ତ ଲୋକନାଟକର ଉପଭୋକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଲୋକ ସମାଜ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଲୋକନାଟକ ଲୋକ ଜୀବନ ପରି ସରଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଅଟେ, ଆଉ ଲୋକ ଜୀବନ ପରି ଅଯତ୍ନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏହା ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ, ଲୋକ ମନରେ ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜାବିହାରୀ ଦାସ ସେ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ, ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଦଗ୍ଧ ସମାଜକୁ ଅରୁଚିକର ବୋଧ ହେଲେ ବି ଏହା ସେ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁନ୍ଦର, ଏଥିଲାଗି ଲୋକେ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେବାର ହେତୁ ନାହିଁ। ଅକଥ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ, ଅପଥ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଅପଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ଆଶ୍ଲାଘ୍ୟ, ଅପ୍ରୀତିକର ଶ୍ରୁତିକଟୁ ବା ରୁଚିପୀଡ଼କ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଅଭ୍ୟାସ ଦୋଷ। ଅକଥା କହି ବକ୍ତା ଅନୁତାପରେ ଜିହ୍ୱା ଦଂଶନ କରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଶୁଣି ଶ୍ରୋତା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ କଥାର ଗାଲି ସୁନାରେ ଖାଦ ପରି ମିଶ୍ରିତ, ଏହା ସ୍ନେହ ବର୍ଜିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମୀୟତାର ପରିଚୟକ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଦ୍ୟ ପାଣ୍ଡକ୍ତି ନାଟ୍ୟକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ଲୋକରୁଚି ଅନୁସୃତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। କହୁଛି ସେମିତି ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ନାଟକର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅଙ୍ଗବିଶେଷ। ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିବ, ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଲୋକନାଟକକୁ, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଦେବ। ଲୋକନାଟକ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଲୋକ ଜୀବନର ସାମୂହିକ ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଚିତ୍ର ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକନାଟକରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ନାହିଁ, ଆଟୋପ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଲୋକ ହୃଦୟକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଲୋକ ହୃଦୟରେ ଅଭିଷିକ୍ତ, ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାର ଉପାଦାନ, ସେମାନଙ୍କ ଭୋକଶୋଷ ଭୁଲିଯିବାର ଉପାଦାନ ହେଉଛି ନାଟକରେ, ଯେଉଁ ନାଟକ କରିଥାଏ ତାକୁ ଲୋକନାଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ମନେ ରଖିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାର ଉପାଦାନ, ସେମାନଙ୍କ ଭୋକଶୋଷ ଭୁଲିଯିବାର ଉପାଦାନ ଯେଉଁ ନାଟକ କରିଥାଏ ତାକୁ ଲୋକନାଟକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ନାଟକର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଉନବିଂଶ ଶତକର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ, ତାର ଅନେକ ଆଗରୁ ଲୋକନାଟକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକନାଟକ ନାଚ ଗୀତ ଆଉ ଅଭିନୟର ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ନାଟ୍ୟକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକମତ ଆଦି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରି ଜନମାନସକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କରି ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ, ସେହିପରି ଲୋକନାଟକ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଚରିତ୍ର, ଲୋକଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ଆଉ ଚିନ୍ତାନୁଭଙ୍ଗୀ ଲାସ୍ୟ ଆଉ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ସମବେତ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ମନରେ ସମାଜରେ ଆତ୍ମଜାତ ହେଉଥିବା
नाना किसमर लोकों संबंधी अभिहित कराइवा को लोकनाटक कहुए कारण मत नाट्यकार लक्ष्मीधर नायक ठीक अच्छे तो आमको क्वेश्चन पचार प्रहलाद चरण महांति से कौन कहते से कौन संज्ञा प्रदान कर लोक निमित्त लोकों गहण से आ लोकों सहयोग में अभिनीत नाटक को लोकनाटक किए कहते प्रहलाद चरण महांति कहीदेव ठीक अच्छे एवं हेडिंग दे दि लोकनाटक स्वरूप ठीक अच्छे लोकनाटक हूँ समूह जनतार प्रिय कलाकर्म तो मुक्त मंच सभ्यत लोक द्रुत केन्द्र अभिनीत एथे लोक मान जीवनानुभूति सरल भाव रूपायित कौन लोकनाटक ठीक अच्छे तापर लिख जे लोकनाट्यकर प्रधान स्वरूप है आनंद दान आमको क्वेश्चन पचार लोकनाट्यकर प्रधान स्वरूप कौन तो कौन कर आनंद प्रदान कर तो यह लोक मानसिकतार प्रतिफलन अटे यह सरल आ स्वाभाविक अटे सहजरे यह रूपायन घटी थाए आडंबर नहीं आटोप नहीं अथच लोक हृदय सृष्टि हो लोक हृदय अभिषिक्त होता है ग्राम्य मंच यार चारण भूमि अटे ग्राम्य जनसाधारण ये सबुर रसिक उपभोक्ता तो लोकनाटक स्वरूप दुईट रूप से परिलक्षित होता है गोटे स्थिर आ गोटे चलमान अस्थिर आम कह तो स्थिर गच्छ तोली होता है नाटक लोकनाटक आ खोला पड़िया रे भी होता है आ मंदिर प्रांगण में भी होता है अभिनीत चलामान विभिन्न स्थान में होता है लोकनाटक तो प्रथम रही लोकनाटक नृत्य गीत भरा मुक अभिनय मध्यम प्रकाशित होता है ठीक अच्छे दु नंबर नृत्य संगीत सहित संलाप स्थान पाई लोकनाटक अभिनय संयोजित है चारि नंबर रही लोकनाटक लोकचित विनोदन पर नृत्य गीत बाद्य अभिनय संयुक्त हो गला पांच नंबर कौन वचनिका पद्य आ गद्य भी हो गला लोकनाटक छः नंबर रही लोकनाटक मुक्त मंच में अभिनीत खोला पड़िया है देवालय प्रांगण व मंदिर पाखे गाँ दाण्ड जात्रास्थल लगेगा सात नंबर रही मंच चारिपटे दर्शक घेरी बसी उपभोग करती आठ नंबर रही दर्शक प्रश्नोत्तर भाग निपर रही लोकनाटक नृत्य उदंड नृत्य ठीक अच्छे लोकनाटक नृत्य कौन उदंड नृत्य ठीक अच्छे तापर आमको लिखापी पड़ो दस नंबर कौन रही गाउली पदार्थ को नहीं बदल मेकअप नहीं था ठीक अच्छे तापर एगार नंबर रही विचित्र धरण पोशाक परिधान कर जो मैंने लोकनाटक करपर अतिरिक्त अभिनय अति स्थान पाई थाए मैंने आहरी बहुत सारा एमती था विभिन्न ठीक अच्छे तो ए कौन कौन हो हास्यरस प्रधान लाभ प्राधान्य लाभ कर लोकनाटक तो जिते बिल हास्यरस होते श्रृंगार वीर होकनाटक प्रधान रस अटे आउ ए मनोरंजन पर संयोजित हो तो हास्य रस हो गला तापर श्रृंगार रस वीर रस इटा लोकनाटक प्रधान रस अटे मनोरंजन पर इटा संयोजित होपर आ रही चतुर्थ आम चौदह नंबर रही लोकनाटक कथा वस्तु धर्मधारणा बा आध्यात्मिक चेतना सहित जड़ित थाएर लोकनाटक पौराणिक कथा वस्तु परिसर मंडन करप पुण्य नीति आदर्श लोकनाटक चरित्र बंधा तापर रही पुराण किंवदंती काल्पनिक कथा वस्तु को आधार कर लोकनाटक रचित हो ठीक अच्छे तापर आउ लोकनाटक चरित्र देवदेवी अप्सरा राजकुमारी राजकुमारीणी राजा राणी काल्पनिक चरित्र एमती रही रही अधिकांश लोकनाटक कृषि युद्ध एवं शिखर को प्राधान्य दे परेशित होपर रही लोकनाटक समाज निम्न वर्गर चरित्र शबर शब ऋणी केला केलुणी केवट केवटुणी गौड़ गौडणी धबा धेवणी जोगी जोगियाणी चढ़ेया चढ़ेयाणी तापर बीणाकार बीणाकारुवाणी मान ए रही था तो तापर रही मुखानृत्य लोकनाटक प्रचलित मुखार व्यवहार सहित बहुल विश्व विन्यास घटी था ठीक अच्छे तापर
झोली मिली पोशाक व्यवहार करा जाए लोकनाटक समय रे। तापर आवश्यक जगार खंडा बर्छा तीर ढाल ठेगा धनुषर मध्य व्यवहार करा जाए लोकनाटक ठीक अच्छे। बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे। तो लोकनाटक स्वरूप रही वैशिष्ट रही एगुड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे। तो बर्तमान केवल वैशिष्ट को देखीद ठीक अच्छे। वैशिष्ट को बर्तमान देखीद कौन कौन रही वैशिष्ट हेडिंग देदेव लोकनाटक वैशिष्ट बा स्वरूप। तो लोकनाटक सर्वप्रथम बा प्रधान वैशिष्ट है लोक मनोरंजन लोक मनोरंजन। तो लोकनाटक स्वरूप संपर्क आम देखा वैशिष्ट संपर्क। तो प्रथम रही पद्यधर्मिता पद्यधर्मिता लोकनृत्य संगीत बहुल लोकनाटक प्राथमिक स्तर में गीतिमय पर संलापर संयोजना घटे ठीक अच्छे। संगीत नृत्य आउ अभिनय मिश्रित क्रिया हूँ लोकनाटक ठीक अच्छे। दु नंबर रही आम रंगमंच। तो लोकनाटक मुक्त रंगमंच अभिनीत समवेत लोक भागरे लोकनाटक अभिनीत मुक्त स्थान यथा मंदिर सम्मुख पड़िया गाँ दांड देवालय प्रांगण में यहाँ होता है। रही विषय प्रकरण कौन रही विषय प्रकरण। तो लोकनाटक विषय वस्तु पौराणिक काल्पनिक तापर किंबदंती आधारित होता है। लोकनाटक विषय बहुत ही सहज सरल स्वतःस्फूर्त ढंग से प्रदर्शित होता है। तापर रही चारि नंबर दृश्य सज्जा लोकनाटक दृश्य बा अंकर विभाजन ना गोटे पर गोटे विषय अभिनय सारा राति घटी थाए ठीक अच्छे। तापर पांच नंबर रही रूपसज्जा लोकनाटक चरित्र मान हलदी कला चंदन रंग माटी बोली हुई नृत्य करी थांदे गाँवली पोशाक सहित तो झिलीमिली पोशाक व्यवहार करा जाए ठीक अच्छे लोकनाटक समय। तापर छः नंबर रही पात्र पात्री। तो पुरुष नारी भूमिकार केवल पुरुष माने अभिनय करुथिले पुरुष नारी मानक भली केश विन्यास तापर बेश परिपाटी हुई नृत्य करुथिले। तापर रही आलोक सज्जा तो लोकनाटक ग्राम्य परिवेश रे अनुष्ठित होइथाय मसाल आलोक तापर जड़ा तेल तापर टेंटानिया तापर लंठन तापर पेट्रोल मार्क्स गैस लाइट आउ परे बहुत आलोक अभिनीत हुए। तापर रही वाद्य आउ संगीत लोकनाटक वाद्य गाँवली परिवेश रे आदृत वाद्य अटे ढोल ताल तापर कहाली तापर मृदंग गिनी तुरी तापर पखौज हारमोनियम इत्यादि रही। तो लोकनाटक संगीत रसोमय अटे उच्च स्वर रे गीत गान करा जाय थाय। नौ नंबर रही रचना प्रणाली लोकनाटक मौखिक अटे यार रचयितार नाम नहीं लोकनाटक मौखिक अटे यार रचयितार नाम ही नहीं। तो लोक मुखर गीत आ नृत्य परंपरा क्रमे प्रचलित। तो पुराणा आमर रही पुरुषानुक्रमे ग्राम्य परिवेश प्रचलित होती। तापर रही अभिनय अभिनय काल रही लोकनाटक विभिन्न उत्सव पूजा पर्वण आउ धर्मानुष्ठान मानक अभिनीत होता है। तो जन मनोरंजन सहित धार्मिक परंपरा पालन आउ लोकशिक्षार मुख्य अभिमुख्य तेणु अभिनय काल निर्दिष्ट समय काल आउ वर्ग को नहीं संयोजित होता है। तो लोकनाटक मुख्यतः धर्माचार मनोरंजन श्रमोपनदन तापर सामाजिक संस्कार आदि विभिन्न उद्देश्य को नहीं लोक नाट्य रचित आउ अभिनीत ठीक अच्छे। ये थी लोकनाटक संज्ञा और स्वरूप वैशिष्ट संपर्क आम फुल कवरेज कलु ठीक अच्छे। बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे। तो ये मैंने किसी क्वेश्चन आहरी करदे आम को क्वेश्चन पचारे पॉपुलर एंटीक्विटीज क्वेश्चन कौन पचार पॉपुलर एंटीक्विटीज आउ पॉपुलर लिटरेचर नाम प्रचलित अध्ययन आउ गवेषणा को किए फोल्कलोर नाम नामित करोश्चिन् पचार पॉपुलर एंटीक्विटीज आउ पॉपुलर लिटरेचर नाम प्रचलित अध्ययन आउ गवेषणा को किए फोल्कलोर नाम नामित करते उत्तर कौन कर उत्तर आमर हो विलियम विलियम जॉन थॉमस कौन है विलियम जॉन थॉमस पेन आउ पेपर को यूज कर बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस अटे। तापर क्वेश्चन पचारे जे ओडिया लोक कहानी मूसा कोनिया रे क्यों प्रसंग वर्णित बोली पचारे ओडिया लोक कहानी मूसा कोनिया
मूषा कनिया हूँ गोटे ओडिया लोक कहानी अटे तो ये क्यों प्रसंग वर्णित के विषय वर्णित हो पचारे तेल उत्तर कौन कर मनीष मूषा को बहुत करवा य विषय संपर्क रही मनीष मूषा को बहुत करवा ठीक अच्छे परवर्त क्वेश्चन पचारे ओडिया लोकगीत चित्र आ चरित्र ग्रंथर रचयिता किए बोली पचारे ओडिया लोकगीतर चित्र आ चरित्र ठीक अच्छे यहाँ गोटे ग्रंथ ना ओडिया लोकगीतर चित्र आ चरित्र यहाँ गोटे ग्रंथर नाम अटे तो यार रचयिता किए बोली पचारे क्वेश्चन ठीक अच्छे नंबर वन देखिए चक्रधर महापात्र कुंज बिहारी त्रिपाठी रही श्याम सुंदर महापात्र रही कुंज बिहारी दास रही तो सठिक उत्तर हो कुंज बिहारी दास कह कर कुंज बिहारी दास ओडिया लोकगीतर चित्र आउ लोक चरित्र ठीक अच्छे बहुत ही इम्पोर्टेंट तो आमको क्वेश्चन पचारे जह्नि ओषा क्यों मसरे पालित हुए बोली पचारे जह्नि ओषा क्यों मसरे पालित हुए आश्विन कर आश्विन मसरे कराए ठीक अच्छे आश्विन होवर्त क्वेश्चन पचारे क्यों लोकगीत श्रृंगार रस विशेष भाव देखा जाए बोली पचारे क्यों लोकगीत कौन कर कृषि गीत कहीदेव कौन हम कृषि गीत हूँ यार सठिक उत्तर परवर्त क्वेश्चन पचारे जे लोक शब्दर अर्थ जनपद बोली किए कही बोली पचारे लोक शब्दर अर्थ जनपद बोली किए कही तो सठिक उत्तर कौन हो कुंज बिहारी दास हो सठिक उत्तर हूँ कुंज बिहारी दास करदेव परवर्त क्वेश्चन पचारे पश्चिम ओडिशा रे परिवेशित क्यों लोकगीत प्रेम निच्छक प्रतिच्छवि देखा मिले बोली पचारे पश्चिम ओडिशा रे क्यों लोकगीत तो कौन कर सजनी बौली कह कौन कर सजनी बौली हो सठिक उत्तर परवर्त क्वेश्चन पचारे शिष्ट संस्कृति क्यों वर्गर अंतर्भुक्त बोली पचारे शिष्ट संस्कृति क्यों वर्गर अंतर्भुक्त पछुआ कि अभिजात कि अनुन्नत कि साधारण शिष्ट संस्कृति इटा अभिजात हो सठिक उत्तर अभिजात ठीक अच्छे परवर्त क्वेश्चन पचारे उत्कल कहानी दर्पणर रचयिता किए बोली पचारे उत्कल कहानी दर्पणर रचयिता किए बोली क्वेश्चन पचारे ठीक अच्छे तो यार सठिक उत्तर कहीं हम राधाचरण महापात्र हो राधाचरण महापात्र हो सठिक उत्तर परवर्त क्वेश्चन पचारे लोकगीत आउ श्रेष्ठ गीत मध्य गुरुत्वपूर्ण पार्थक्य कौन बोली पचारे लोकगीत आ श्रेष्ठ गीत मध्य पार्थक्य कौन तो उत्तर कौन कर लोक मानसर प्रतिफलन करदेव ठीक अच्छे परवर्त क्वेश्चन पचारे लोक उपादान क्षुद्रतम अंश को कौन कहुए लोक उपादान क्षुद्रतम अंश को प्रकार्य बोली कहुए कौन कहुए प्रकार्य बोली कहुए ठीक अच्छे परवर्त क्वेश्चन आपको पचारे मोर फोलजिया काजी की लोकगल्प आलोचना ग्रंथर रचयिता किए बोली पचारे ठीक अच्छे यहीटा गोटे लोकगल्प आलोचना ग्रंथ अटे मोर फलजियास काजी की ठीक अच्छे तो यार रचयिता किए तो उत्तर कौन कर स्टीथ थम्पसन कर स्टीथ थम्पसन हो सठिक उत्तर परवर्त क्वेश्चन पचारे जे साधारण जनता मध्य क्यों कथा बहुल प्रचारित हुए ताकू कौन कहुए बोली पचारे साधारण जनता मध्य जो कथा बहुल प्रचारित हुए ताकू कौन कहुए ताकू लोकोक्ति बोली कहुए कौन कहुए लोकोक्ति बोली कहुए तो परवर्त क्वेश्चन पचारे जे किंबदंती आ कहानी को भेती करी ओडिशार लोक जीवन में जो गीतिका गुड़िक रचित होता है ताकू कौन कहुए बोली पचारे ताकू कौन कहते गाथा गीतिका बोली कहुए ताकू कहुए गाथा गीतिका परवर्त क्वेश्चन पचारे कार्तिक मासर सोमवार अमावास्या पड़े लोक मैंने क्यों अमावास्या कहती बोली पचारे कार्तिक मासर सोमवार अमावास्या पड़े लोक मैंने क्यों अमावास्या कहते सोम निशा बोली कहते कौन कहते कि सोमदशा कहते कि सोम साप कहते कि सोमताप सठिक उत्तर हो सोम निशा होवर्त क्वेश्चन पचारे जो लोकगल्प गुड़िक परंपरा क्रमे निजर स्वतंत्र सत्ता को बजाय रखी था ताकू कौन कहुए बोली पचारे ताकू कौन कहुए जो लोकगल्प गुड़िक परंपरा क्रमे निजर स्वतंत्र सत्ता को बजाय रखी था ताकू कहुए प्रकार्य बोली कहुए कौन कहुए प्रकार्य बोली कहुए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण तापर क्वेश्चन पचारे जे मोगल तामसा ठीक अच्छे मोगल तामसा ये क्यों अंचल लोकनाटक अटे बोली पचारे मोगल तामसा भद्रक कर कौन कर भद्रक परवर्त क्वेश्चन पचारे क्यों मसीहार कथा लहरी प्रकाशित होता बोली पचारे कथा लहरी 1901 कर सठिक उत्तर
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଚକୁଲିଆ ପଣ୍ଡା ମାନେ କେଉଁ ଋତୁରେ ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନ ଧର୍ମର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ ଋତୁରେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଭାରତୀୟ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଭାଗରେ? 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି କେଉଁ କର୍ମମୂଳକ ଲୋକଗୀତ ଅଟେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କେଉଁଟି କର୍ମମୂଳକ ଗୀତ ଅଟେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ସମର ବୋଲି ଗୀତ, ଚକୁଲିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ, ଝଡ଼ା ଫୁଟା ଫୁଙ୍କା ଗୀତ, ପୁଚି ଖେଲ। କ'ଣ କରିବ? ଚକୁଲିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ କରିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଲୋକ ନାଟକ ହେଉଛି ଚାରଣମାନଙ୍କ ଅଭିନୟର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ, ଉକ୍ତିଟି କାହାର ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଉକ୍ତିଟି ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦତ୍ତ କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦତ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଲୋକ କାହାଣୀର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ରହିଛି? ଭାଗ୍ୟବାଦ କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ଭାଗ୍ୟବାଦ କି ରସ ବିନ୍ୟାସ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଭାଗ୍ୟବାଦ। ତ ଭାଗ୍ୟବାଦ ଲୋକ କାହାଣୀର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ତାପରେ ଢଣକୁଇଲା କେଉଁ ଧରଣର ଲୋକ ନାଟକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି? କେଉଁ ଧରଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ। କ'ଣ କହିବ? ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପଚାରିଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଶାଖାକୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଶାଖାକୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବ? ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ କି ଗାଉଁଲି ସାହିତ୍ୟ କି ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ କି ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ? କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଲୋକ କାହାଣୀର ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଲୋକ କାହାଣୀର ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ତାପରେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଲୋକ ଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ ପଚାରିଛି? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହିବ। ଲୋକ ଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପଚାରିଛି ପାଲି ଶବ୍ଦରୁ ପାଲା ଆସିଥିବା କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି? କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ରଜତ କର। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଧୀରେନ୍ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଧୀରେନ୍ ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପଚାରିଛି କେଉଁଟି ଲୋକ କାହାଣୀର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ତ ଅଟେ ଲୋକ କାହାଣୀର ଉତ୍ସ, ସଂହିତା ବି ଅଟେ ବେଦ, ଦଶକ କୁମାର ଚରିତ ତ ବେଦଟା ନୁହେଁ, ହେଲା ବେଦଟା ନୁହେଁ, ଲୋକ କାହାଣୀର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପଚାରିଛି କେଉଁଟି ଲୋକ କାହାଣୀର ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କେଉଁଟି ଲୋକ କାହାଣୀର ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରସ ବିନ୍ୟାସ ତ ଅଟେ ଲୋକ କାହାଣୀର, ପାରିବାରିକ ଚିତ୍ର, ସାଙ୍ଗୀତିକ ବିଭବ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଚତୁରୀ ଅଟେ ସାଙ୍ଗୀତିକ ବିଭବ ଅଟେ ପାରିବାରିକ ଚିତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ପାରିବାରିକ ଚିତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ମାନସ ରୂପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି? ଲୋଭ, ବିଶ୍ୱାସ, ଆଚରଣ, କ୍ରୋଧ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଅଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାଷା, ଉକ୍ତିଟି କାହାର ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଅଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାଷା, ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଏ କେ ରାମାନୁଜନ କରିବ। କ'ଣ କହିବ? ଏ କେ ରାମାନୁଜନ। ତାପରେ ପଚାରିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଗୀତ ଲୋକ ମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଲୋକଗୀତ, ଉକ୍ତିଟି କାହାର? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଯେଉଁ ଗୀତ ଲୋକମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଲୋକଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବ? ସତେନ୍ଦ୍ର କରିଦେବ। ସତେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ ସ୍ୱାଙ୍ଗର ରଚୟିତା କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବନ୍ଧୁ ନାୟକ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ନାୟକ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ କେତେ ଭାଗରେ? ତିନି ଭାଗରେ ଆମର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? ତିନି ଭାଗରେ। ସେଇ ତିନୋଟି କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଲୋକଗୀତ ପ୍ରାଚୀନ ପୁଣି ଚିର ନବୀନ, ଉକ୍ତିଟି କାହାର ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିବ? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି
ग्रीक रो क्यों नाच धर्मीय परंपरा रो सृष्टि बोली पचाई ग्रीक रो क्यों नाच धर्मीय परंपरा रो सृष्टि उत्तर कौन का पुतुलिचा कंडेई पुतली पुतलिका सठिक उत्तर जो पुतलिका परवर्ती क्वेश्चन पचाई क्यों उपादान टी किंवदंती रो अंतर्भुक्त नुहे पचाई तो कौन कह पौराणिक ऐतिहासिक व्यक्ति विषय पशु पक्षी विषय यहाँ किंवदंती रो अंतर्भुक्त नुहे परवर्त क्वेश्चन पचारि क्यों ग्रंथटी रामचंद्र गुणचंद्र द्वारा लिखित बोली पचारि क्यों ग्रंथटी नाट्यशास्त्र तो नुहे नाट्य देव नाट्य संहिता नाट्य दर्पण कर नाट्य दर्पण ग्रंथटी रामचंद्र गुणचंद्र द्वारा यहाँ लिखित होवर्त क्वेश्चन पचारि लोक कहानी मूल आधार कौन बोली पचारि लोक कहानी मूल आधार आदिम लोक जीवन पचार आदिम लोक जीवन परवर्त क्वेश्चन पचारि विदग्ध साहित्य मानसर क्यों उपादान सह संपर्क स्थापन करता है पचारि विदग्ध साहित्य मानसर क्यों उपादान सह संपर्क स्थापन करता है कौन है बाह्य भाई ठीक अच्छे बाह्य तापर क्वेश्चन पचारि प्रोफेसर वृंदावन चंद्र आचार्य लोक कहानी को कत भाग विभक्त करते पचारि कितने भाग विभक्त करते चार भाग विभक्त करते तो कौन कौन कर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ठीक अच्छे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर तापर क्वेश्चन पचारि चिताकुटा गीत अगर क्यों गीत नाम नामित बोली पचार चिताकुटा गीत यहाँ सवार गीत कि सापुआ लोकगीत कि शबर गीत कि साप खेला गीत कौन हो सापुआ केला गीत कर कौन कर सापुआ केला गीत सीताकुटा गीत यहाँ सापुआ केला गीत नाम नामित ठीक अच्छे तापर छौ नृत्य क्यों जिला प्रसिद्ध छौ नृत्य मयूरभंज रही मयूरभंज हो सठी उत्तर तापर रही सिद्धांत कुमुदी रे लोक शब्दर अर्थ कौन रही पचारि लोक शब्दर अर्थ कौन रही देखणा हारी हो ठीक अच्छे परवर्ती क्वेश्चन पचारि राम रो श्रीवंत पण देखी दशरथ राजन हजारी समस्त गण बोलती वचन पंक्ति क्यों गीतिकार आनीत बोली पचार के गीतिकार आनीत श्रीराम बनवास कर ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन पचारि क्यों उपादान लोक साहित्य वैशिष्ट्य अटे बोली पचार लोक साहित्य वैशिष्ट्य प्रेम प्रणय धारा परिदृश्य मान लिखित धारा मौखिक कर ठीक अच्छे मौखिक कहीं लोक साहित्य आमर मौखिक अधिक रु अधिक व्यवहार होपर क्वेश्चन पचारि काठ बाछुरी पथर गाई जिते दुहुले पन्हाऊ थी उत्तर कौन बोली पचारि यार उत्तर हो चंदन काठ और चंदन पेड़ी ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन पचारि शाशु घरे पल्ली बधूर असहाय क्यों गचर अवस्था सहित तुलना करा बोली पचारि शाशु घरे पल्ली बधूर असहायता क्यों गचर अवस्था सहित तुलना करा जाए बोली पचारि क्यों गच क्यों गच सजना गच सजना ही सठिक उत्तर परवर्त क्वेश्चन पचारि दास काठिया क्यों स्वयं प्रभु रामचंद्र आविष्कार उक्ति कहार बोली पचारि दास काठिया क्यों स्वयं प्रभु रामचंद्र आविष्कार युक्ति कहार कौन कह रत्न शर्मा कर कौन कर रत्न शर्मा हो सठिक उत्तर रत्न शर्मा परवर्त क्वेश्चन आवर्त क्वेश्चन ना ठीक अच्छे आहरी क्वेश्चन ना तो भिडियोटी के लगेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइब आम सर्वप्रथम इनफर्मेशन करवाई चाहते टेलीग्राम चैनल जॉइन भूल ना भिडियो तरफ लिंक अच्छे टेलीग्राम चैनल लिंक आउ चैनल को सब्सक्राइब करके रखीदेव ये चैनल को भिडियो को देखिकी हृदय लाइक करने भूल ना सांग को सेयार करने भूल ना ठीक अच्छे जिते आपयार करते तुम ही बेनिफिट ठीक अच्छे सो बर्तमान ये थैंक यू सो मच।